ये जो डेंगू फैल रहा है, दूसरी इसकी अलामत क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और हस्पताल में इस वक्त कितने? सलाम देखिए, मैं डॉक्टर शाहिद हूँ, फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में। अभी इसके हमारे पास पेशेंट पर डे तकरीबन 100-110 आ रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, सर दुखता है, उसकी हम CBC करवाते हैं तो उनमें प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं। तो यही एक फर्स्ट अलामत है कि हमारे पास बुखार के साथ लो प्लेट के साथ पेशेंट आता है तो हम उसको डेंगू कंसिडर करते हैं। डेंगू के लिए फिर एडमिशन होता है, लेकिन इसकी बुनियादी एहतियात यहाँ तक फैलने की रीज़न हमारी ही गफलत है। घर में जो पानी पड़ा रहना, मच्छर का बढ़ना, और बहुत सारे लोग आजकल जो लाहौर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, ये कुछ ऐसी वजूहत हैं जो हम आजकल डेंगू के केस देख रहे हैं। ऐसी अलामत जिसमें आपको खून के साथ उल्टी आए, पेशाब के साथ खून आए या नाक से खून आए, उसके लिए आप ज़रूर बुखार की सूरत में हॉस्पिटल आएँ और CBC करवा के अपने आप को डेंगू का पेशेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के कंसिडर करें और उसके फर्दर मैनेजमेंट के लिए हॉस्पिटल आएँ।